सपनों के शहर मुंबई में कुछ दिनों पहले 86 साल से चल रही BST की डबल डेकर बसें बंद कर दी गई थी और अब आज 30 अक्टूबर को 60 सालों से चल रही प्रीमियर पद्मिनी का भी मुंबई की सड़कों पर आखिरी दिन है। ये दोनों ही बस मुंबईकरों के जिंदगी के सुनहरे पन्नों की यादों में बसकर रह जाएंगे। प्रीमियर पद्मिनी, जिसे मुंबई और यहाँ के लोगों ने काली पीली का नाम दिया था, ये शहर में 60 के दशक में आई थी और तब से लेकर अब तक सरकारें बदली, सड़कें बदली, लेकिन काली पीली वैसे ही फर्राटे से दौड़ती रही। इस साल के शुरुआत में मुंबई में करीब 40,000 काली पीली टैक्सियां थी, लेकिन बदलते समय के साथ RTO ने अपने बाद आई कंपनियों की कारों को टैक्सी के रूप में रजिस्टर करने की अनुमति दे दी, जिस वजह से टैक्सी के नाम पर सड़कों पर दिखने वाली ओला उबर कारों की वजह से काली पीली टैक्सियों का अस्तित्व वजह से खत्म सा हो गया था। हालांकि एक हमारा ही देश ऐसा नहीं है जहां पर टैक्सियां दशकों से लोगों की सहायता में लगी हुई है। अगर बात करें लंदन की, तो वहां 19वीं सदी की शुरुआत से ही टैक्सियां चल रही है और इसमें समय समय पर आधुनिकता के अनुसार बदलाव किए जाते हैं और यही वजह है कि इतने सालों के बाद भी लंदन में आज भी टैक्सियां सरपट सड़कों पर भागती नजर आती हैं। ये देखकर बहुत दुख होता है कि एक तरफ जहां लंदन में परंपराओं को बचाने के लिए आधुनिकता का सहारा लेकर उसे सहेजा जा रहा है, तो वहीं हमारे देश ने पश्चिमीकरण को इस तरह से अपना लिया है कि हमें विरासत में मिली ये वस्तुएं बस शहर के म्यूजियम्स तक सिमट कर रह गई हैं।